तो जितने भी लोग होंगे नीचे बॉबी को गाली दो, बॉबी को जितने लोग, क्योंकि ये बॉबी, बॉबी को मैंने कहा कि बॉबी मैंने ड्रिंक्स मंगवाया है तुम्हारे लिए और फिर भी ये बॉबी वीडियो गेम खेल रहा था, तो जितने भी लोग हैं बॉबी को डांट लगाओ। कौन है जो बॉबी को डांटना चाहता है नीचे मैसेज करो। तुम्हें पता है लड़की कौन है? ये लड़की एक दो कौड़ी की रंडी, रंडी समझता है लेकिन मैंने उसको इज्जत दी। देखो जितनी भी रंडियां हैं ना मैंने सबको हीरोइन बनाया है, पता है तुम्हें? ये एक रंडी है, रंडी, लेकिन मैंने उसको हीरोइन बनाया और अभी इस रंडी को मैं मेरे गाने में लेने वाला हूँ, पता है? उसको मैं हीरोइन का दर्जा देने वाला हूँ। ये वही अरे रंडी रंडी किसको बोल रहे हो तुम दीपक? वो जो दूसरी रोड रंडी थी जिसको तुमने हीरोइन बनाया था, मेरा नाम ऐसे मत लो, सेम नाम हो, तुम तो बहुत बड़ी डॉक्टर हो जानी। हाँ, उसका नाम मिनी है, मेरा नाम कुछ और है। ऐसे मत करो दीपू, बदनाम मत करो मुझे, प्लीज। आई वांट यू टू रिक्वेस्ट यू, कहाँ बॉबी? आपकी बॉबी किधर है? तुम डॉक्टर हो बॉबी? हाँ बॉबी को, वो सच्ची जो है ना, वो सास बहू का जैसे रिश्ता होता है वैसे हमारा रिश्ता है। अभी बॉबी एक बात बताऊँ मैं दिल से तुम्हें, बॉबी को एक बार दिखाओ। मैंने तुम्हारे लिए विस्की ऑर्डर किए, वैलेंटाइन केक ऑर्डर किया है, सिगरेट्स के कार्टन्स है मेरे पास। तुम्हें पता है बॉबी ने क्या कहा? मुझे अभी सोना है, तुम बॉबी को डांटो। बॉबी मैं ना एक्चुअली बॉबी मैं 1500 वाले पर्स यूज करती थी, दीपक ने मुझे 1.5-2 लाख रुपए की पर्स पे ले आए, जिम्मी चू, वर्साची, विक्टोरिया सीक्रेट, इनके कॉन्टैक्ट इतने अच्छे हैं, अगर इनके कॉन्टैक्ट में सच में कोई रहे ना तो वो करोड़पति बन जाए। इनकी लाइफ देखी, किसी चीज की टेंशन नहीं ली। आई वॉन्ट कि हर इंसान खुली जिंदगी जिए। कहता ही नहीं, नहीं मैं गंगा ही ठीक हूँ। क्या पी रहा है ये बॉबी? इनके लिए मैंने ये ऑर्डर किया है, देखो ये वैलेंटाइन, मैंने मेरे लिए ब्लैक लेबल है और इनके लिए वैलेंटाइन मैंने ऑर्डर किया है। अरे यार फिर भी वो पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। और तुम्हें पता हुआ क्या है बॉबी के बाद? अभी मैंने इसको यहाँ पे 1500 का केक ऑर्डर किया है, बाकसम पिछली बार है ना 3500 का केक इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। लोग ना तो केक खाते ना कुछ, इनको किसी भी, इनको पता है क्या पसंद है? पबजी, पबजी पसंद है, पबजी। अच्छा ये छोटे बच्चे हैं क्या? लेकिन देखो ये जो बंदा है ना, मुझे इसका नेचर अच्छा लगता है, ये देखो। हाँ देखो इसने मुंह भी फाड़ा वैसी, ये अच्छा है दीपू, ही इज नाइस पर्सन। एक्चुअली इंसान में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए दीपक, दैट्स इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है मेरी जो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें मैं बॉबी का नाम नहीं लिखने वाला हूँ। क्यों? उसमें मैं वो करोड़ की प्रॉपर्टी में काकू को देने वाला हूँ। कहाँ है काकू? ये देखो ये काकू है। काकू काकू स्वीट है यार दीपू। अरे काकू बहुत अच्छा है। और उसका नाम क्या है? बॉबी। लेकिन बॉबी का इलाज बांधना पड़ेगा, रुक अभी। जब सुन, जब तू काकू को देगी ना और इसको नहीं देगी ये सुधर जाएगा, समझा? तू इधर आ, ये काकू को देना, फिर बॉबी तड़पेगा, फिर हम उसका मजा लेंगे। मो 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 नो मो मो नो, ये गलत बात है दीपू। बॉबी है क्या, तेज है कि नॉर्मल है बॉबी? ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है बॉबी। एक बार फेस दिखाओ, मैं फेस रीडिंग में बहुत माहिर हूँ। बॉबी वो आपसे बात करना चाहती है, बंद करो जरा वो, आज से बात करो। आओ इधर आओ, इधर आओ थोड़ा, इधर आओ। तुम्हारी कुर्सी टेढ़ी है क्या? ये यार ये नहीं, क्या बिजली है? हाँ अभी तो जाएगी ना, नहीं तो वैसे तो वो बॉबी से इससे बात करो। हाँ जी, अगर तुम बिगड़े तो मैं तुम्हारे पास आके बना दूंगी तुम्हारी बॉबी डार्लिंग, तो तुम सुधर जाओ। तो तुम सुधर जाओ और दीपक को खुश रखो। तुम्हारा एम क्या है? दीपक के साथ कनेक्ट में रहो, बिकॉज़ ये एक बार किसी का हाथ पकड़ते तो नहीं छोड़ते। तुम्हें भी दबा क्या कहा, जितना भी तुम्हारा स्टाफ है सबको मेरी तरफ से 500, मतलब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, बताओ। और पता तो नहीं मेरे बारे में क्यों इतनी नफरत है। वो सब ठीक
हो जाएगा दीपू, एक टाइम की बात होती है, इनको अभी बच्चे हैं, नॉलेज नहीं है कि दुनियादारी में कैसे बिहेव करना है। हम भी बच्चे थे इनके बराबर, 13 14 15 16 17 18 साल के। आज हम 20+ हुए तो हमें नॉलेज हुई कि कितना एडल्ट होना पड़ता है लाइफ में। सो दैट इज बाय एज इनको समझ आएगी। अभी देखो सामने खूबसूरत लड़की है, बिस्की है, केक है, और ये बॉबी को देखो ऐसे नींद आ रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब इसको क्या मिलते मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि मुझे इसको मंदिर लेके जाके भजन कीर्तन करवाना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा खुश रहेगा बॉबी। बट कोई बात नहीं, वो ड्रिंक तो कर रहा है, या ड्रिंक भी मना कर दी उसने? वो ड्रिंक कर रहा है, लेकिन मैंने उसको कहा थोड़ा धीरे धीरे पियो, थोड़ा समझी ना, थोड़ा मतलब दारू थोड़ी महंगी है, फिर भी मैं इनके लिए 3,500 की मन, मतलब मैंने 3,500 इनको, ये नहीं पता अगर ये लोग दूसरी जगह जाएंगे तो इनको 100 पाइपर से नीचे वाली दारू मिलेगी। यहाँ पे कितनी महंगी महंगी दारू है दीपू। आप वैलेंटाइन मैंने ऑर्डर की इनके लिए, बड़े बड़े इवेंट्स में मैं गई हूँ, वहाँ पे वैलेंटाइन खुलती है प्रोफेशनलिज्म के तौर पे, बट तुमने खोली है इन लोगों के सामने, तो दे आर योर डियर एंड नियर। तुम इनको दिल से चाहते हो तभी तुम्हारी इतनी महंगी दारू खुली है, अदरवाइज तुम कितनी कच्ची दारू खोल सकते थे इनके सामने, सोच। पागल तुझे रंडी, तू क्या मैं कंजूस हूँ? तुझे बता, इसको देख, इसको पूछ मैंने कितने सिगरेट्स मंगाई आज भी, बता जरा इसको मैंने कितने सिगरेट्स मंगवाई है। 11,000 की सिगरेट्स मंगवाई है मैंने आज, और मैं कभी रोकता हूँ तुमको पीने के लिए भी नहीं। पर ये तो अंडर एज है दीपू, दे आर 12 13 ईयर ओल्ड, राइट? ये अंडर एज है लेकिन इनका बिहेवियर है ना, 90 साल की जो सास होती है ना, 90 साल की सास, ए बाहू क्या कर रही है कैसे और ये बहू क्या कर रही है, पति के साथ घुरा रही है, दीपक बहू तो बाहुबली बन रही है। इधर बैठना है तू, तू बस हाथ वही तक बैठना, मैंने यहीं तक, ये कुछ नहीं, वहां पे जाके पबजी खेलेगा तू, नहीं यहीं पर बस हाथ वही तक। दीपक ये लोग ये नहीं बोलते बाहू तो बाहुबली बन रही है। अच्छा मैं रॉकी भाई को लाइव पे लूंगा तो आज डबास भाई का बर्थडे है, इसीलिए मैंने मेरे स्टाफ के लिए वैलेंटाइन ऑर्डर की है, मैं खुद ब्लैक लेबल पी रहा हूँ। आप इसके बाद जब हमारी लाइव सेशंस खत्म होंगे तो हम लोग उनको बर्थडे विश करेंगे। मेरे पास कुछ स्पेशल केक्स हैं जो मैं डबास के लिए लाके आई हूँ, बट वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे। तो अभी कट करो ना केक, स्विगी इंस्टामार्ट से आ रहा है केक। ओके यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे केक आता नहीं है, तो मैंने रिक्शा किया 600 रुपए में और हाँ यहाँ पे आता नहीं, मतलब यहाँ पे वो सब तो ये केक की वगैरह ये किस काम के, ये बच्चे तो पहाड़ कूद के ला सकते हैं ना डियर भाई। मतलब वैसे तुम्हें बता इन्होंने क्या कहा कि रिक्शा से हमारे लिए भी सिगरेट्स मंगवा था, सिगरेट्स हाँ, मतलब इनके एक्चुअली एप्पल के ये है ऑर्चर्ड, लेकिन यहाँ पे वो इसीलिए जॉब करते हैं ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, गरीबों के लिए भंजा। बॉबी हंसता है क्या? ये जो लोग यहाँ पे कमा रहे हैं तो ये दान करते, डोनेट करते, मतलब जैसे भी कल भंडारा होगा तो बॉबी 5,000 डालेगा, ये काकू 5,000, रंजन 5,000, तो ऐसे करके ये लोग भंडारा करते। ये लोग बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा, मतलब इतने अमीर है कि ये मतलब 20-20 किलो के अमीर है ये नहीं भी फिल्टर है 20-20 किलो के ये सिगरेट कैसे पिएंगे आप? अच्छा कौन सा? इसमें अंदर नहीं है कुछ, फिल्टर नहीं है, ऐसे ही है ये तो है। नहीं, नहीं है ना, ये तो हिमाचली भाषा में बोल रहे हैं दीपू। हाँ ये तो हिमाचली भाषा में बात कर रहे हैं, चेक करो आप। बोला अच्छा, बोलो ना कुछ कैसे बनता है।
क्या कह रहा है ये महंगे बेइज्जती कर रहे हो महंगे भाई छोटा तो है दीपक है ना ये अभी छोटा सा है ना देख मैंने अभी ये ऑर्डर किया है मैंने सिगरेट ये फ्रांस की सिगरेट है अभी ये क्या कह रहा है पता है कि इसमें डबल बस्ट वाली क्यों नहीं ऑर्डर की इसमें डबल बस्ट नहीं है तो इसको बोलो डबल बस्ट निकल आएगा एक बार डबल बस्ट आए तो सही पास तो आए डबल बस्ट क्या फोर बस्ट हो जाएगा मैंने जो होटल के मालिक है उनको मैंने क्या बोला कि मुझे छोटू चाहिए जो हाँ। मेरे लिए बनाए मेरे लिए खाना बनाए तो कहने लगे कि खाना तो नहीं बनाएगा लेकिन वो आपके साथ ड्रिंक्स करेगा रोज दो बोतल की क्योंकि वो बिगाड़ देते हो ना दीपू तुम्हारी भी गलती नहीं है इसमें मतलब ये हिमाचल है पता है यहाँ पे लोग उनकी जिंदगी एंजॉय करते हैं उनको काम से वगैरह मतलब इतना मतलब नहीं होता है दे वांट टू एंजॉय द लाइफ बट यहाँ पे दिल्ली में तो कुत्ते की तरह गधे की तरह लोग काम करते हैं ना गर्मी क्योंकि देखो तुम भिखारी हो यहाँ के लोगों के पास खुद के एप्पल्स होते हैं और तुझे पता है काकू ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए 15-20 एप्पल जरूर लेकर आऊंगा तोड़कर और बॉबी भी मेरे लिए 6-7 लेके आएगा तोड़कर नहीं गिरे हुए दोकर लेके आएगा तोड़कर नहीं दो तोड़कर नहीं नहीं दोकर तो ये तुम्हें कहाँ मिल गए दो दो छोटे छोटे बच्चे ये तो पहले नहीं थे जब मैं तुमसे बात करती थी पहले से ही थे ना होटल में ये पहले से अच्छा। तो ये तुम्हारे दोस्त अब भी बने राइट अरे दोस्त क्या बस अभी दुश्मन ही है समझ हाथ जोड़ जोड़ के लेके आए उनको कि आओ मैं तुम्हारे लिए विस्की लेके आया हूँ देख इनको इंटरेस्ट है मैं तो ये पबजी वगैरह खेलते हैं ये ज़्यादा इनको तो क्यों पबजी में इंटरेस्ट है अरे मतलब इन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप बोतल दे दो हमारा हमारा ड्रिंक्स करेंगे मैंने कहा नहीं तुम्हें मेरे साथ करना होगा ड्रिंक्स ओके तो मतलब आपके मन में वैर भाव नहीं कि बंदा छोटा है बड़ा है तो आप अपने साथ बिठा के ड्रिंक करते हो राइट अरे सबको अभी तू रंडी है तेरे को बिठा है मैंने यहाँ पे लाइव पे बता ए कौन रंडी है नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ मम्मी की कसम मैं तुझे एज अ हीरोइन ले रहा हूँ मेरे इसमें कब ओ भाई मुझे तेरा नेचर मम्मी कसम मुझे तेरा नेचर बहुत पसंद है देख मेरे को मुझे दीपक जानते ही नहीं हो मैं इतनी इमोशनल लड़की हूँ मैं ना कसम मेरी जो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें मैं बॉबी का नाम डाल दूँ लेकिन उसमें अभी काकू का नाम आएगा तो बॉबी तो अपने एप्पल के बागान में रहेगा मैं तो काकू को दूंगा मेरी पूरी प्रॉपर्टी क्योंकि अभी मेरे सपनों का राजकुमार काकू है बॉबी नहीं है कहाँ है काकू यही है मेरे सपनों का राजकुमार तू सच में राजकुमार लगता है काकू बैठा भी राजकुमारों की तरह है इसकी स्माइल बहुत अच्छी है दीपू है ना पर ये पतला है थोड़ा अरे पतला इसका लंडे ना हिमाचल ये माँ कसम मतलब तेरे चूत को अगर इसने टाके नहीं लगाए ना इतना बड़ा लंडे इसका पता है तुझे और बॉबी बॉबी का ये मतलब नीचे उसको ये है अच्छा सुनो तो ये तो सुनो ना दीपू एक मजे की बात सुनो ना दीपू और काकू साथ में लग जाते होंगे फिर तो रात को जब दीपू बॉबी और काकू काकू और बॉबी क्योंकि मुझे क्लासिक कनेक्ट नहीं मिली उसने मुझे कहा ये सिगरेट में डबल बस नहीं है मतलब बॉबी जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना ऐसे प्राइसी है ऐसे और काकू को कैसे है उसको मैल्ब्रो लाइट्स भी चल जाती है उसके बाद में बेंसन एंड हेजेस टोकैट केन कैमरन विंस्टन एसोस तुमने तो इनको फ्रांस और जर्मनी के लड़के बना दिए हिमाचली से क्या कर रहे हो दीपू इनकी क्या चेंज कर रहे हो तुम तो नेशनलिटी चेंज कर डाली स्मार्ट है बॉबी भी दिखने में बहुत स्मार्ट है ऐसे कुछ तो तुम्हें ज्यादा स्मार्ट कौन लगता है बॉबी या काकू पर्सनालिटी वाइज हाइट पर्सनालिटी कलर फीचर्स हु इज मोर हैंडसम मुझे काकू ज्यादा अच्छा लगता है
हाँ लेकिन अगर नेचर में चेंजेस आए तो बॉबी को मैं प्रॉपर्टी में से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। बट मुझे बॉबी भी अच्छा लगा, पर बॉबी में एटीट्यूड लगा मुझे थोड़ा सा, किसमें? बॉबी में। ये बॉबी बॉबी कुछ नहीं है, इसको दिखा तो हमें बॉबी बॉबी कर रहा है ना। कोई बात नहीं, तुम मेरे को हिमाचल आन दो, मैं इनकी फूल गोभी बना दूंगी, गोभी से टेंशन मत। सबक सिखाना है, ये बॉबी बहुत ज्यादा उछल रहा अभी है। मैंने जाना है कल यार। देखो तुम क्या करना पता है क्या, काकू को चूत देना और उसके बाद में बॉबी को है ना बिल्कुल मतलब देखने को भी अलाउड मत करना। तो बॉबी तो हार्ट अटैक खा के मर जाएगा। अरे अभी लाइव चल रही थी, इसने मुझे क्या कहा पता है, अभी लाइव चल रही थी, मुझे कह रहा है कि इसको व्हाट्सएप कॉल पे लो, उसको लाइव में इंटरेस्ट नहीं। हाँ भाई इसके बात नखरे तो कराओ इससे, अगर ये इतना बिगड़ा हुआ इंसान है तो मैं इसको मान जाऊंगी। कहा ऐसे मुझे बताए, इसने क्या व्हाट्सएप कॉल पे, ये देख अभी शर्मा रहा है ओए चौमिन वाले बाल इधर देख। ये देख। क्या बोल रही तू? अरे बोला तू, बोला कॉमेडी क्या बोल कर लू, रही तू? बोला अरे कॉमेडी तू, उसको तू बोला ना क्या बोला? अरे मत मत ए, किसको? उसको भाई वो हिमाचली बुरा मान जाता है, उसको कॉमेडी मत कर, कॉमेडी मत कर, वो बुरा मान जाएगा, हिमाचली है, मेरा घूम गया तभी तेरा कॉल ढंग से रहेगा। हिमाचली है, वो बुरा मान जाता है। तेरे को अगर कॉमेडी करनी इसके साथ कर, तू बुरा नहीं मानेगा ना? क्या बुरा मानेगा? ये तो दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ी टी शर्ट चेंज डाल रखी है इन्होंने, कपड़े चेंज है, फेस सेम है, ऐसा क्यों? तुम लोग भाई भाई हो क्या? अरे तूने बराबर पहचाना, ये दोनों भाई भाई है। मैं तुम्हें पता है ना दीपू, देखो दीपू मैं एक इमोशनल लड़की हूँ, बट आज तक तुमने मेरी आंखों में आंसू नहीं लाए। तुम्हें जिंदगी भर क्योंकि तुम ही दीपू मेरे एक ऐसे दोस्त हो जो मेरी आंख में आंसू नहीं लाया। टच वुड, और लोगों ने मेरी आंख में आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया, और इसलिए आई ब्लेस यू ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू, यू नेवर मेक मी क्राई। अच्छा सच बताओ, मैं सबको खुशियां देता हूँ, मैं सबके बारे में ख्याल रखता हूँ राइट, लेकिन बॉबी को ये समझ भी नहीं आता कि दीपक एक इतना अच्छा इंसान है। बट दीपू बॉबी मेरे ऊपर बियर बियर नहीं क्या पानी फेर देता है। एक बार इसको क्या करो, तुम बियर का शावर करा दो, शावर बियर का जब इसका होगा ना तो इसका सारा नशा उतर जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे इतना अच्छा केक मंगवाया है, वो केक भी नहीं खा रहा है, क्यों? पता नहीं क्यों। शायद वो ना नशे में हो गया दीपू, ही इज इन अल्कोहल ड्रग, उसको प्रॉब्लम हो गई है, ही इज ड्रंक। तो काकू तुम मेरे साथ बैठोगे ना? काकू इज नाइस पर्सन, बस यही है कि बॉबी का बिहेवियर चेंज हो जाए, क्योंकि देखो मैं फाइव स्टार होटल में लेके जाना चाहता हूँ सबको, और मैंने फाइव स्टार होटल बुक की है कसोल में, तो मैं इनोवा से लेके जा रहा हूँ। वो जो अतिथि का स्टाफ है ना, तो उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ। देखो मैंने इनको कहा कि मैं स्टाफ के लिए शॉपिंग कर सकता हूँ, उन्होंने वो भी मना कर दिया। तो इनको तुम शॉपिंग पे कब लेके जा रहे हो? नहीं इन्होंने मना कर दिया ना, अभी डबास ने कहा कि फिर जाने दो, इनको कुछ पसंद नहीं, तो मेरी तरफ से सबको 500 500 रुपए दो, डबास ने कहा। और मेरे 500? ये छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाता है, अभी सिर्फ तुमने चाउमीन के बाल बोला, बाप रे मतलब वो ऐसे कि तुम्हारा वर्ल्ड खुल जाएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो मैं नहीं आऊंगी फिर हिमाचल, जब ये तो मेरा कत्ल कर डालेंगे बाबा। देख कैसे वो नाराज हो गए, पता है तुम्हें क्या बोला उसने, इतना बुरा मान गया, बता भाई वो कॉमेडी चल रही है तो बुरा मान गया। कोई बात नहीं, ये शांत हो जाएगा, अभी इसकी एज छोटी है दीपू, उसको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आपे गुस्सा हो जाता है। इसको मैं बड़ा एक्सपीरियंस दूंगी ना तो इसकी ये सोचेगा ये 30 साल का है, अभी ये सोच रहा है ये 12 साल का है, तो मैं इसको एक्सपीरियंस करा दूंगी, डोंट वरी। इसको लड़के से मर्द बना। तुम्हारी फ्लाइट की टिकट मैं बुक करूं, तुम आने वाले हो, लेकिन देखो मैं एक साइड की तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करूंगा, एक साइड करना। देखो एक्चुअली सैंडी आई है। तो इनवाइट करना चाहता हूं, मुझे 1 लाख का स्टे मिल रहा है, ये जो प्राइमो रिसोर्ट है ना, तो उनकी एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है स्की रिसोर्ट प्राइमो,
तो वहां पे वो मनाली से भी ठंडी जगह है, तो वहां पे वो मुझे स्टे दे रहे हैं 4 दिन का, 25,000 का पर डे का कमरा है। तो मैं वहां पे प्रमोशनल एक्टिविटीज करूंगा और मैं तुम्हारे साथ रील्स बनाऊंगा और एक साइड का मैं तुम्हें फ्लाइट का दूंगा, एक साइड का तुम कर लेना। सैंडी आइए नीचे, दीपक अरे सच्ची दूंगा मैं क्वीन। इसको लग रहा है कि मैं तुम्हें यह क्या बोलते हिमाचल बस परिवहन निगम में घुमाऊंगा, ऐसा लग रहा है इसको। नहीं तो तुम मुझे दोगे, क्योंकि वन अगर मेरा मन है, अगर देखो तुम्हें कंपनी मेरी फ्लाइट टिकट देगी तो मैं नहीं लूंगी, ले लूंगी अगर प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए, यू कैन शो माय अकाउंट। अदरवाइज मैं अगर खुद से आऊंगी तो आप मेरी टिकट मत करना, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी आंख में आज तक आंसू नहीं दिया, तो मैं खुद अपनी टिकट लेक करूंगी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है कि देखो मेरे दो गाने आ रहे हैं, दीपक कलाल दिल्ली के परफॉर्म और उसके बाद में दीपक कलाल विधायक, तो उसमें मैं तुम्हें एज ए हीरोइन कास्ट करने वाला हूँ, ये सच है, मैं मजाक नहीं करता। और उसमें हम लोग काकू को भी एक छोटा सा रोल देंगे। किसका मतलब? वो जो बच्चा नाचता है ना टोपी पहन के राजस्थानी, ओ मारा बनेड़ा नाचेंगे वाला। हाँ लेकिन बॉबी के बारे में मत बोलना, नहीं तो अभी मोबाइल ही फोड़ देगा मेरा। गुस्से में मतलब उसको ऐसे हो गया कि मतलब लिटरली क्या उसको है? लगता है बॉबी को ना हीरो वाला रोल चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं उनको बता दूं कि आज डबास भाई का बर्थडे है और इसीलिए मैंने डबास भाई के लिए ये केक ऑर्डर किया है, और मैं स्टाफ को गुजारिश करता हूँ कि इसको मत फेंकना, और मैंने ये वैलेंटाइन स्टाफ के लिए ऑर्डर किया है, और डबास भाई की तरफ से जितना भी स्टाफ है सबको 500-500 रुपए में देने वाला हूँ। बट दीपक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये केक तो आ गया, इसका केकड़ा कब बनेगा? वो सब मिक्स कब होगी? दारू, केक, सिगरेट, लोग इंतजार कर रहे हैं। केक खाते ही नहीं है, पिछली बार 2 मंजिल का केक उन्होंने फेंक दिया, इनको खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों पता नहीं क्यों, इसीलिए मैंने डबास ने कहा कैश ही दे दे इनको, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं खाने पीने में, मतलब खाने में इंटरेस्ट है, पीने में इंटरेस्ट है, खाने में नहीं है इनको, खाली पीते हैं ये लोग है ना, पीने में इंटरेस्टेड लेकिन खाने में, और पार्टी वगैरह रोज करते हैं ये। अरे मतलब इनका मतलब ये ड्रिंक्स के साथ क्या खाते हैं पता है तुझे? हाँ लेग पीस के पकोड़े। हाँ हड्डी वाले। अरे मतलब जो लेग पीस होता है ना उसको कोटिंग करके, मतलब इनका खान पान बहुत तगड़ा होता है भाई। ये हिमाचल से है। अरे इसने अक्की को ये खिलाए पकोड़े, अक्की तो बोला यार बहुत ही टेस्टी है, अक्की को इन्होंने पहाड़ी चिकन खिलाया, इतना टेस्टी था मैंने खुद खाया वो। नहीं तो क्योंकि मैं तीखा, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई दीपू, लाइक ये मतलब तेरे को भी खिलाएंगे हम वो पहाड़ी चिकन, बट ऑयल तो नहीं रहेगा ना उसमें, बिकॉज आई एम ऑन डाइट। ऑयली नहीं रहता है, बहुत टेस्टी बनाते हैं लोग। हाँ तब चलेगा, बिकॉज आई बी ऑन डाइट सम टाइम, सो आई फील कि नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे बैठो, क्या हुआ? मैं हो रहा पैक डाउन इसको, किसको? तो तुम्हारा है ना, जाने के लिए बोल रहा मैं हो रहा पैक डाउन। अच्छा हाँ अच्छा, मैं क्या हुआ दिखाऊं? रुको मैं तुम्हें व्यू क्या दिखा रहा है मेरा, ये देखो ये मेरा व्यू है घर का, और उसके बाद में फिर ये है मेरा बंगलो, और उसके बाद में ऊपर भी कमरे हैं दो, तो मतलब एक कमरे में मैं रहूंगा, एक कमरे में तुम रहना। तो यही वाला तुम्हें बंगला मिला है क्या इस बार प्रमोशन के लिए? अरे मुझे बंगला इतना अच्छा लग कि मैंने अगले साल का भी पेमेंट कर दिया है, और मैंने अभी कुछ फर्नीचर भी ऑर्डर किया है, और मेरी अभी ओनर से बात हो गई है, इन्वर्टर इज नॉट वर्किंग, तो सुनो काकू उन्होंने कहा है मुझे इन्वर्टर देने के लिए। ओके तो मैं भी आऊंगी प्रमोशनल एक्टिविटीज में। नहीं नहीं अरे हम जो जगह पे जा रहे हैं भाई वो तो जैक्यूजी वाला है, वो तो 2400 एक दिन का है जहाँ पे हमें स्टे मिल रहा है, तो वो मनाली में ही है। वो इससे मतलब थोड़ा ठंडा है, वो सोलांग वैली में है वो। Do WhatsApp me the details and how many days I have to come. Just send me and I'll come across. देखो sure. अगर हमें वो 3 दिन का स्टे देते हैं ना तो 2 दिन तो मेरे बंगले में रहो ना, ये कंगना रानावत के बाजू में है बिल्कुल मेरा बंगला। I'll stay. We'll do a great, very nice
videos for the promotion. अच्छा दूसरी बात सुनो, ये मेरी VIP guest, मतलब इसको जो है बिल्कुल एकदम प्यार चाहिए, जैसे तुमने देखो इन्होंने अक्की और माइला को इतना प्यार दिया, और अक्की का नेचर ऐसे है कि उसने सबका दिल जीत लिया अक्की ने, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो मैं भी आऊंगी तो मैं सबका दिल भी जीत लूंगी और प्यार भी जीत लूंगी। लेकिन ये छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है, तुम चाउमीन बॉल बताए वो बस अभी नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि छीन ली तुमने। तो कोई बात नहीं, वो ओके हो जाएगा। बॉबी को मैं ऐसा करूंगी पीछे पहाड़ों में ले जाऊंगी एक बारी, ओके हो जाएगा। लेके जा उसको खुश कर दे फिर। नहीं खुश नहीं, साइकिल पे लेके जाऊंगी। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है बहुत ऐसे कुछ? नहीं नहीं पेट गर्मी लग, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में लगे दर्द। अच्छा तुम बैठोगे फिर मेरे साथ? क्या दर्द लगी है तुम दोनों की पीठ? ओ भाई ये कह रहे कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे पीठ में दर्द है। दर्द है मेरे को क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है इतनी छोटी उम्र में। अरे इसकी कहानियां सास बहू की कहानियां ये खत्म होगी कभी? वो सास कैसे कहती है, इसको पूछो सच में हुआ मेरा एक्सीडेंट कुल्लू में स्कूटी के साथ। भगत सिंह ने जो पबजी खेलने के टाइम जो शेफ नहीं होता जो शेफ था यहाँ पर, अच्छा उसके पीछे तो मैं बैठा वो तब स्कूटी चलाने वाला। ठीक है चलो फिर अभी ये लोग अलविदा कर रहे हैं, बाय करा दो मुझे इनको, मो करा दो। सुनो ये केक आप लेके जाना ओके, और इसको खाना अगर मुझे, और सुनो दूसरों को नहीं देना, ये खुद ही खाना है। चलो फिर केक ले लो आपका। हाँ ठीक है अभी टाइम, अभी तीन लोग अलविदा कर रहे हैं तुम्हें, नहीं थोड़ी देर बैठ रहे वो अभी एक अड़तालीस अभी तीन बज जाएंगे। हाँ चलेगा, चलो फिर जिनके लिए कोई डांस दिखाओ तुम, हनी सिंह चूत वॉल्यूम 1 दिखाओ हनी सिंह का। वो गाना मेरे फोन में बैन है। तो दूसरा क्या दिखाओगी, कोई सेक्सी पोजेस वगैरह दिखाओ, गांड वांड हिलाओ थोड़ी, ऐसे गांड हिलाओ थोड़ी यार उनको खुश। तुम गाना बताओ कोई अच्छा। वो भी क्या करते बेचारे एक दूसरे की गांड बनने के अलावा, चल दिखा। कोई अच्छा गाना बताओ ना दीपू। वो गाना जो तुमने गाया था ना दीपू वो बहुत अच्छा था, आई 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 करके जो गाना गाया। अच्छा ये कह रहा है मिस पूजा का जिप्सी करके गाना है, मिस पूजा का कोई गाना है जिप्सी करके, क्या काली जिप्सी, मिस पूजा जिप्सी काली कौन सा है, मिस पूजा जिप्सी काली कोई बोल। ये मुझे जरा मोबाइल देना तुम तुम चलाओ एक मिल गाऊंगा ना अरे ओ वो वीडियो मत बताना, सेक्सी लग रहे हो, खुश हो गया वो तो देख के। मैं एक्चुअली सोनिया अरोरा को भी पसंद करता हूँ, शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, बट अभी यही है कि मैं उसके साथ मैंने काफी वीडियोस बनाई है, तो मैं तुम्हारे साथ भी बनाना चाहता हूँ। श्योर। गाना चला रहे हो? ये पता नहीं कोई मिस पूजा का गाना चला रहा है, कौन सा मिस पूजा जिप्सी, जिप्सी। लेकिन ये डांसिंग नंबर है। ए तुम्हें पता है मिस पूजा जिप्सी? Yeah, it's
अच्छा गाना चलाया दीपक इसने। तुम्हें पसंद है गाना? क्या हुआ? इन्हें नहीं, जो उसको फेमस है उसको बोला, मुझे हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं डांस उल्टा फुल्टा कर रही हूँ, मैं घूमी जा रही हूँ। दूसरा कोई गाना लगाओ, एक मिनट रुको, मैं गाना लगाता हूँ। वो सैड सॉन्ग लगाना है। ओके ओके, बैंड दीपक, क्या हुआ? ये बंद करो, क्या हुआ? हरियाणा में औरतें पता कैसे नाचती हैं? एक मिनट लगा रो जाना। ताबीज बना लूं तने, ये गाने के ऊपर डांस करो। ओके, चलो ये गाने के ऊपर डांस करो जल्दी से। सुनो ओके, मेरा घर आ जाए। फोन आ गया, एक मिनट लगाता हूँ। कहाँ गया? वही अटक गया। तुम लोग जल्दी जल्दी आओ मेरे पास, तो अटक गया। बाप रे, डांस करो। हाँ बोलो डबास भाई, बी अच्छा ठीक है, अभी डांस कर रही, बाद में मैं लेता हूँ। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ मैंने पहचाना, लव कटा रिया। सुनो एक मिनट, अभी लाइव लाइव पे हूँ, मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं लाइव पे हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, आप लाइव पे आ जाओ। खाने में क्या बनाया? अरे ओ भाई, कुछ खाने थोड़ा बचा हुआ, कुछ चिकन खाना। Thank you.
मॉर्निंग डैड। आज के बच्चे अमेजिंग है ना। मुझे लगा तुम कहाँ चली गई दीपू। अरे मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? मैगी। इतनी रात को मैगी कौन खाता है? अरे ऐसे ही टाइम पास, मतलब भूख तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए। इसमें भी आप प्लीज आवाज बंद करोगे? एक बलिए जनी उन्हें क्या रहता गाना सुनवा दो। ओ भैया अभी भी लाइव नहीं, तेरा गाना सुनो मैं बताओ। आपका गाना लगाओ। मैं क्या कौन सा? नहीं मैं इससे बात कर रहा हूँ, यूपी वाला। अरे लेकिन मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ, जब वो लाइक कमेंट शेयर तो करूँ मैं लाइक। ओ आप ये चला रहे हैं अपनी, देख लो आगे लाइन पे वो भी। तो क्या तुम्हारा प्लानिंग है? देखो फिर मुझे 6 दिन के बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिल रहा है। 6 दिन के बाद ना? हां ये तो व्हाट्स द डेट? सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। डिस्कशन कर रहा हूँ अभी तुम्हें गाना बेटा, उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप साउंड है बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ डिस्कस, गाना मत लगाओ। गाना लगाया, ये देखो साउंड है मैं थोड़ा बोलो। बिजनेस मीटिंग चल रही है। हाँ तो तुम आने में इंटरेस्टेड हो ना? क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मैं जरूर आऊंगी। चलो थैंक यू वेरी मच, और हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे जिंदगी भर जैसे सोनिया है। ओके श्योर। अच्छा डबास को लाइव भी दिख रही है? दिख रही है। डबास को लाइव क्यों नहीं दिख रही है? चेक करो इससे कितने लोग ऐड हो गए, इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। एक बार दोबारा ऑन करो, शायद दिखेगी उनको। दोबारा आओ लाइव। मिस्टर कपूर को मैं ऐड करना चाहूंगा। मिस्टर कपूर न्यूयॉर्क से हैं और मिस्टर कपूर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड। तो मिस्टर कपूर को जानती हो जो न्यूयॉर्क से है? दिखाओ एक बार, शक्ल देखेगी तो मैं पहचानूंगी ना। जी तो मेरा इसा करे ओए तेनु छाती के लगा रही है ताबीज बड़ा लू तने। दिखाओ। अभी दिखाता हूँ, मैंने उनको लाइव पे लिया है। ओके तो आई एम कमिंग मनाली गाइस, हूएवर वांट्स टू कम प्लीजेंट नाइस पर्सन। ये देखिए मिस्टर बॉक्स से है ये। ओ ओला 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 अमिगो अमिगो ओला अमिगो दीपक कलाल दिल्ली के प्रधान और दीपक कलाल विधायक। एक्चुअली मेरा शूटिंग था लेकिन एक्सीडेंट के कारण मेरा शूटिंग नहीं हो पाया। हाँ तो आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट मिंक इन मनाली because Mink, you have to go there. Mink is so Manali. I want to see you guys. Sure. Anytime. You are also coming, Manali? मैं तो आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. Whenever I am in India, I'll be there. No, सुनो, और मेरा बहुत बड़ा बंगला है, तो I would be grateful to you अगर मैं आप मेरे बंगलों में रहोगे, because मेरा बंगला. I'll be grateful, Deepak bhai. I'll be grateful whenever I meet you. But I'm on not on drink. I have something special coming next month, so I'm on totally on diet, and you can see my beauty bones. You're a beautiful entertainer. God bless you. Thank you so much. God bless you too. But actually, problem is that now that if I will not drink, you people will not feel good. I know, but. I also want to have drinks, but of course my problem is I can't drink. So what I have decided. You're so fit. आपकी fitness इतनी अच्छी है. You're doing fitness work and trying to take care of your shape for your everything. So do whatever you know. No आपको problem. जो आपकी destiny है. Yeah, we'll have just one sip.
as a token of and wish Dabas, the Deepak bhai, Dabas bhai ko wish karna happy birthday meri taraf se bhi. Is he gone? I can't see him. I don't know, maybe. I can't see him. What's the black screen? Or Mink, how are you? When are you coming back to India? मैं हर साल आता हूँ. I'll be there in December, January. मैं दीपक के साथ गोवा में रहता हूँ. Okay. तो अगर आप गोवा होगे तो I'll see you there. Okay. Sure, sure. So आप enjoy करो. I'm just enjoying. I'm going to just sit back and relax. Okay. Have fun, guys. Are you going? मेरे को दीपक दिख नहीं रहा. Where is my other phone? Let me see. Where the heck? I have to find my other phone. तो आपका कब प्लान है? आप कब आ रहे हो न्यूयॉर्क से? मैं दीपक भाई आ रहा हूँ. December, January I'll be in Goa. हाँ तो गोवा में मेरा होटल बुक है. मैंने लोटस सूत्र बुक की. वेरी गुड. तो मैं हम मिलेंगे वहां. तो कहाँ पे हैं आप? आपका नाम क्या है? कपूर जी. कपूर. ये न्यूयॉर्क से. मैं भी तुसी पंजाब. न्यूयॉर्क से नहीं हूँ मैं. पंजाबी हाँ. मिंक वाकई नहीं पंजाबी हाँ. मैं भी ना ना. तुसी ग्रेट हो. तुसी की लेके आ रहे हो मेरे लिए इंग्लैंड तो. डेफिनेटली मैं थोड़े हाथ से गिफ्ट लेके आवा. कुछ ना कोई कोई ना कोई डेफिनेटली एप्पल आईफोन. मेरा फ्रेंड लंदन से आया. देखो इतना सारा सामान लेके आ गया. विक्टोरिया सीक्रेट, जिमी चू, एवरीथिंग विक्टोरिया सीक्रेट. Like it's all wow. Like yes. So I'm just thinking about why he took so many gifts, because I give love to them and they give love back to me. So I like that even. Excellent. Yes. For a second, actually, something has happened bad. दीपक भाई आपका वो मैनेजर भी आ गया. आपका मैनेजर है ये मेरा मैनेजर है. मैंने यहाँ पे फ्रिज ऑर्डर किया कार. कैसे उसको बोलूँ भाई? इसकी ऑल वेल मैनेजर भाई ऑल गुड. न्यूयॉर्क में मैनेजर भाई बहुत हरामी है. दीपक ने मेरे को 10,000 दिए. इन्होंने मुझे 8,000 ट्रांसफर किए. 2,000 खा गए. मैं बीच में मैनेजर की भी तो कमीशन होती है यार. और उसके बाद में बहुत सारे मैंने बर्तन, शो की चीजें, बड़वास वगैरह, मैंने बहुत सारी एश्ट्रे, मैंने सिरेमिक के ऑर्डर किए हैं. तो वो सब आ जाएंगे अभी थोड़े दिन में, 4-5 दिनों में. अभी ये शॉपिंग कर रहे हैं बहुत सारी. और स्टाफ को पूछा तो उन्होंने मना किया. लेकिन आप ओनर के लिए देखो, मेरे जो ओनर है ना उनकी हाइट बॉडी बहुत है, तो आप एक्स्ट्रा लार्ज में उनके लिए कुछ 2-3 शर्ट वगैरह लेके आ सकते हो. तो लेके आना ओनर के लिए. मैंने डलवा दिया ऑलरेडी, सब डलवा दिया. एक्स्ट्रा लार्ज ओनर के लिए डलवा दिया आपने? क्योंकि स्टाफ ने मना किया. आपने मुझे बोला था. हाँ चलेगा. आपने मुझे बोला था. तो ये कहाँ पे है मेजर जी? आप बियर की 3 पेटी और ब्लैक लेबल की एक पूरी पेटी ऐसे लाना है. हाँ वो अभी मैंने कुछ नहीं किया. वो मैं लास्ट मोमेंट पे करूंगा. बियर की पेटी लाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है. कोरोना की नहीं, कोरोना की मत लाना आप. वो ये मेरा है ना. आप मैग्नम लाना. मैग्नम क्योंकि कोरोना कैसे वो मुझे थोड़ी लेडीज टाइप होती है. लेडीज टाइप ठीक है. हाइट छोटी होती है. Stupid idiot. You're idiot, right? Oh shit. तो बडवाइजर चाहिए तुझे? क्या चाहिए? कोरोना चाहिए, बडवाइजर चाहिए? तो बडवाइजर ये लेके आना, मैग्नम. ठीक है ओके. बडवाइजर मैग्नम 3 पेटी और एक ब्लैक लेबल की पेटी लेके आना. ओके. और ये डबास जो है वो मुझे ब्लू लेबल गिफ्ट कर रहा है. डबास बट
पास तो अगर उसको बोलना मैं उसे पिक कर लूंगा, उसको बोल मेरे से कॉन्टेक्ट करे। दहिया ने मेरे लिए सिगरेट्स लाई है दुबई की, कार्टन लाई उसने दुबई से डनहिल के, तो वो लेके आना। और उसके बाद में डबा ये मुझे वो गोल्ड लेवल गिफ्ट कर रहा है, मतलब वो मिला के 45,000 के ड्रिंक्स गिफ्ट कर रहा है, वो भी लेके आना। और डबास मुझे लेवल दे रहा है वो कुछ 30,000। वो दहिया दहिया का नंबर मुझे भेज दिया ना, मेरे पास दहिया का नंबर नहीं है, डबास का है मेरे पास। और बेसोया से भी मिलना है क्या मुझे, बेसोया से, गोल्डी बेसोया से? वैलेंटाइन की बॉटल्स पड़ी है बहन से, बताओ। नहीं, स्टाफ के लिए ऑर्डर की है। वाओ दीपक, स्टाफ के लिए तो वैलेंटाइन ऑर्डर करता है, तो तू क्या पीता है? ब्लू लेबल, मैं ब्लैक लेबल पीता हूं। ओके, और बता दीपक। अरे दीपक क्या चल रहा है बाकी? अच्छा कि आप क्या पियोगे, तो उन्होंने कहा वो वैलेंटाइन पिएंगे, तो मैंने स्टाफ के लिए वो ऑर्डर की। अच्छा अच्छा ठीक है, हां ठीक है, सही है। हम सब लोग दीपक को बिग बॉस में देखना चाहते हैं। कौन कौन देखना बिग बॉस ओटीटी में? वड़ा पाव गर्ल आ गई, छपरी आ गए सारे बहनचोद, तो बताओ। वी वांट दीपक शुड बी देयर। नहीं नहीं सुनो, आई थिंक मेंक यू शुड आल्सो बी देयर। अरमान मलिक, ऑफ कोर्स, मलिक बहनचोद ने दो बीवियों को लेकर आ गया है। अरमान मलिक, अरमान को मुझे मेन मलिक दो बीवियों को लेकर आ गया है। मुझे मेन बिग बॉस ऑफर हुआ था, वो भी टीवी वाला, एज अ सेलिब्रिटी, ओटीटी वाला नहीं, लेकिन मुझे लास्ट मोमेंट में वो छोड़ना पड़ा। उसका रीजन है क्योंकि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूं। अरे यार मुझे टीवी वाला ऑफर हुआ था यार, मुझे बिग बॉस टीवी वाला ऑफर हुआ था, तो उस पे उससे हेपेटाइटिस का क्या लेना देना? पता नहीं, मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई यार, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया यार, मतलब यार बिग बॉस वालों के कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ये तुम्हारे पास तुम हेपेटाइटिस बी बोलते हो दीपक, फिर भी तुमसे सब लोग मिलने आते हैं, इनको डर भी नहीं पता। अच्छा मेंस, अरे तुम मेरे टूट टूट कर आओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, रुको, बैंक मैंने कहा कि तू देख रही है आजकल वो ओटीटी फ्री देख रही है तू? ओटीटी देख रही हूं, पायल एलिमिनेट हो गई है ना, फर्स्ट एलिमिनेट हो गई है अभी, उसकी का ही तो वीडियो देख रही थी मैं। अच्छा एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आप सबको पता है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ बिग बॉस हाउस से, लेकिन इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट, इसको अभी बाहर नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि कौन जीतेगा? एनी गेसेस? अरमान को जिताएंगे, अरमान मलिक, अगर वो मलिक फैमिली में से जिताएंगे किसी को तो वो अरमान को जिताएंगे। दीपक तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? तो बना लो, क्या हुआ वो, तेरे को क्या लगता है बिग बॉस ओटीटी 3 इस बार रैंक देगा? बिग बॉस देखता ही नहीं हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे लगता है कि जो टैलेंट मुझ में है वो किस में भी नहीं है भाई, मैं बहुत टैलेंटेड बंदा हूं, मुझे बिग बॉस वालों का एग्री। दीपक भाई तू तो रोज बिग बॉस चला रहा है यार इंस्टाग्राम में। दैट इज ट्रू ब्रो, दैट इज ट्रू, आई अप्रिशिएट, या दैट इज ट्रू, मतलब मैं बिग बॉस वालों को इतना कम समझता हूं, ना तो टैलेंट है ना कुछ है। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। बिग बॉस तो यही चला रहा भाई, सब लाइफ का असली बिग बॉस यही है। मुझे रणवीर शौर्य भी पसंद है, एक्चुअली मैं देखती नहीं हूँ, बट जो लोग जीत सकते हैं वो यही है, मतलब ओटीटी में आ रहा है। अरे यार वो बात नहीं है यार, एक ओटीटी में भी, आई डोंट नो, मैंने पहले देखता था, पहले मेरे ख्याल से 10 साल देखा मैंने। अच्छा। पर अब उसके बाद जब इंस्टाग्राम आ गया और मैंने दीपक को देख लिया तो मैंने बिग बॉस छोड़ दिया। चलो बहुत बढ़िया, एक्चुअली ये भी तो बिग बॉस नहीं देखते यार, बिग बॉस हमारा दीपक अपना बड़ा बिग बॉस है, एक बिग बॉस इज बिगेस्ट है बिग बॉस अक्रॉस, यू नो। तो मैंने जब ये देखा ना, मैंने बोला यार कोविड टाइम में आया मैं, कोविड टाइम में मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, देखा पता नहीं कहाँ से लाइव, तुम्हें पता तलवार लोग इतने बदतमीज है, मैं ये वाली नाइटी डाल के आई, हल्का सा निपल दिखता है लोग नीचे लिखते हैं, मुझे निपल टेप लगा के लाइव आना पड़ता है, मेंटालिटी इज बैड ना, दैट्स व्हाई वी आर इन इट। तो मुझे बहुत खराब फील होता है कई बार बीइंग एज अ वुमन, कि व्हाई पीपल हैव
मुझे सबसे क्या मेरी छाती से लगे रही है ताबीज बना लूं तुझे। इनको छाती से लगना है, ताबीज भी बनना है और बकवास भी करनी है, तो या ताबीज बन लो या छाती के लग लो या बकवास कर लो। आप लोगों को क्या लगता है? मेरी वेटिंग दीपक, इसने बिरयानी बिरयानी खा रहा है। क्या खा रहा है? अरे आज इन्होंने पहाड़ी चिकन बनाया तो मैंने थोड़ा सा ही खाया, लेकिन मुझे वापिस कुछ खाने का मन हुआ तो इन्होंने मैगी बनाया। ग्रीन कलर की मैगी खा रहा है तू? नहीं, सब लोग नहीं, कुछ भी पसंद नहीं है, मैं बहुत सिंपल खाना खाता हूँ आजकल। तो छोले नहीं खा रहा क्या? नहीं, मतलब मैं इतना खाने पे, क्योंकि मुझे मतलब सामने में जाता हूँ ना वहाँ पे मुझे सब फ्री में ही है ना, जो कभी मन किया तो मैं वहाँ पे बफे वगैरह करके आता हूँ। He's a rich man, he's a rich guy. अरे मुझे तो फ्री स्टे मिल रहा है ना 1 लाख का, तो मैं उसके लिए आऊं, तो मैंने इसको मिंक को यही कहा कि तू आ जा, जैक्यूज़ी है कमरे में बहुत। तो मिंक तो क्यों नहीं जा, मिंक तू जाइयो यार, मिंक तू जरूर जाइयो। आप क्यों बोल रहे हो जाइयो, मैं आप भी आओ तो मैं आऊंगी ना। नहीं मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी देयर बिकॉज आई नो कि आप तो उसको लाइटली ले रहे हो, आप जा नहीं रहे हो, उससे मिल नहीं रहे हो। आई वॉन्ट यू से अगर मैं वादा करूंगी तो मैं पक्का आऊंगी उनको, दीपक को पता है ये बात है ना दीपक। अभी तक मैंने प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आ गई हूँ या मैं पहले इससे पहले मैं दीपक के सारे फ्रेंड्स का फैन था, सोनिया का भी फैन था, और अब आप मिंक योर फैन ऑल्सो। किसके फैन थे आप? सोनिया दीपक के जितने भी जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके फैन थे हम, और दीपक के साथ जो भी होता उसके फैन है, और आपके भी फैन है। नहीं गो पर हीरोइन इसीलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा नेचर बहुत पसंद है, और मैं अगर तुम्हें बोल देता हूं कि ये नहीं पूछा कि लाइव में तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, और इसीलिए मैं तुम्हें हीरोइन बनाना चाहूंगा बिकॉज यू आर वेरी गुड बाय हार्ट। और मैं भी दीपक की दोस्त हूँ ना, तो मैं ये बोलूंगी चाहे मेरे ऑफलाइन दोस्त रहे हो ऑनलाइन रहे हो, सबने मेरी आंख में एक बार आंसू तो दिया है, बट दीपक इज द पर्सन, ही ऑलवेज मेक मी फील हैप्पी। इट्स नॉट समथिंग आई एम सेइंग लाफिंग और किडिंग, बट इट्स रियलिटी। सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ, ही इज अ वन पर्सन एंड ही सी मेनी पीपल, बट मेनी पीपल क्रिटिसाइज अदर्स लाइक हेल। सो आई वॉन्ट टू से वन मैसेज, सी द पॉजिटिविटी इन अ पर्सन। मुझे स्टाफ ने ये कहा कि उनको नाइस बिस्किट पसंद है, मैं 3 बॉक्सेस लेके आया स्टाफ के लिए। अच्छा, हाँ 3 बॉक्स में नाइस बिस्किट्स के लेके आया। ओके, एवन उनको भी बहुत पसंद है जिसपे चीनी लगी होती है, वही ना जिसमें शुगर लगी होती है। हाँ वो लेके आया, उसके बाद में 1 बॉक्स में इलायची के बिस्किट्स लेके आया, एक बॉक्स क्या वो संतरा के बिस्किट्स ऑरेंज वाले। अच्छा हाँ, कि मैं कसोल में 5-स्टार होटल बुक करता हूँ, जाएंगे। बट एक्चुअली ये लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अभी मैंने इनको कहा कि मैंने आपके लिए वैलेंटाइन ऑर्डर की है, केक ऑर्डर किया है, पार्टी करेंगे, ये लोग कह रहे नहीं हम पबजी खेलेंगे, मतलब इनकी उम्र छोटी है थोड़ी। कोई बात नहीं यार, हर का अपना अपना टेस्ट है दीपक। एवरीबॉडी हैज देयर ओन टेस्ट, इट्स ओके। टाइम हैज चेंज, मुझे तो पता भी नहीं पबजी है क्या। पबजी वो है ना यार, वो एक्चुअली वो क्या होती है, वो फोन पे खेलते हैं पबजी, देयर इज अ some kind of a game across, you know. So, जैसे वो कैंडी क्रश सागा नहीं था, कैंडी क्रश सागा फेसबुक में एक बारी था, उस टाइप का एक क्रश सागा। मैं पहले बहुत उसी खेलती थी कैंडी क्रश, उसी टाइप का ना, मैं से उसी टाइप का है कुछ, आई थिंक सो। तुम रुको, नॉट बजल दी प्यारा है ना, 7 बजे उठो दीपक तेरे, दीपक भाई आप और लोगों को लो लाइव में देखो, एक केक लेके जाना, और अगर तुमने केक फेंका और मुझे पता चला, ओ भाई ये खाएगा नहीं, इसने परसों भी 2 मंजिल का केक फेंक दिया इसको। देखो भाई केक का भंडारा कर दो, मॉर्निंग में कॉफी एंड केक का भंडारा लगा दो, ठीक है, लेकिन याद करके लेके जाना। अरे 2 मंजिल का केक मंगवाया था स्नैजी ने, तो मैंने इनको हाथ में दिया, इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया उसको। अच्छा
दीपक भाई स्नेजी भी आ रही है क्या? स्नेजी आ रही है, स्टोरी लगाई आपने, स्नेजी आ रही है। बर्थडे के लिए आई थी उसके सहेलियों के साथ, उसका बर्थडे था तो उसके सहेलियों के साथ वो आई थी। तो उसका बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया स्नेजी का। अच्छा, एक्चुअली मैंने स्नेजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरे जितने भी दिल्ली के शैंपेन शॉवर है वो तो स्नेजी ने किए। वाओ, हाँ, मेरे जितने अभी तक स्नेजी ने 12 शैंपेन शॉवर किए हैं दिल्ली में। दैट्स अमेजिंग यार दीपक भाई, दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। और मैं मतलब कर रहा हूं, मतलब ये 12 शैंपेन मैंने सिर्फ ठीक है, चलो मेरे फैंस को टाटा करो, चलो मेरे फैंस को टाटा करो, बाय, गुड नाइट। तो मेरे जितने भी शैंपेन शॉवर है उसमें मैंने कुल मिला किसी 50-60 हजार खर्च किए, और अभी मैं दिल्ली में 12 लाख खर्च हुए, इसको पता तलवार को, 12 लाख खर्च हुए मेरे दिल्ली में। 16 लाख नहीं, वो 16, अरे पहले के नहीं, पहले के अलग, अभी तो आया था उसके। रॉसेट को मिला के बोल रहा हूँ, रॉसेट हाउस को मिला के बोल रहा हूँ मैं यार। देख 45 डेज में था फाइव स्टार होटल में, 45 डेज। तो इस बारी भी तो एक महीना लगा के गया है तू, पुलमैन में, मौर्या में 17 दिन। हाँ, I saw that यार दीपक, that's amazing यार, कितना बट इतना 8 दिन का, फिर इसके दोस्त वगैरह इतने सारे हो गए थे, तो 8-9 दिन का बढ़वाने के लिए इसको रिक्वेस्ट करी, फिर इसने कहा चल यार मैं बढ़ा लेता हूँ, यू नो। अरे मतलब नहीं मतलब मैंने कहा कि मुझे बॉडी बिल्डर्स पसंद है, भाई 10-12 बॉडी बिल्डर्स आ गए, 40-40 रोटी एक एक बॉडी बिल्डर्स खा रहे, 27 हजार का बिल यार। उनको बाहर ले आना था ना, हमने होटल में थोड़ा खिलाना होता है। और मैं सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी खाता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है खाना खाने में। आप इसको बोलोगे ना can I have some juices when you are in यार उनको ले आना था फतेहपुर, सुनो फतेहपुर, फतेहपुर के ढाबे में अगर आप जोमेटो से मंगवाओगे ना तो कहेगा प्लीज इट इज बिलो द डिग्निटी, यू नो। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि जोमेटो स्विगी, मतलब व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, वो तो गाय गाय भैंस को के खिलाता है, यू नो। आई अंडरस्टैंड यार, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं क्या खाता हूँ, मूंग दाल की खिचड़ी। तो मैं क्या करता था, ITC मोरिया में था तो मैं 1800 रुपए में आती थी, पुलमैन में 1400 रुपए में आती थी, एक टाइम एक टाइम में फल खाता था जो कि मुझे फ्री में मिलते थे। तो ये जो मेरा 2,20,000 का बिल हुआ है उसमें से ऐसे समझो कि मेरा जो बिल है वो 8,000 का होगा या 10,000 का, बाकी 2,10,000 का दूसरों का बिल है। I know यार, आपने वो उनकी मसाज करवा दी, उसपे साली मसाज 10,000 की मसाज होती है, 5 स्टार 1,60,000 है सिर्फ मसाज का। बताओ, नहीं नहीं आपका मिसयूज हो गया दीपक भाई वहाँ पे। अरे और रियलिटी क्या है पता है, ये लोग जवार के खेत में है ना, ये जो घास काटती है ना उनकी चूची देखकर मुट्ठी मारने वाले लोग हैं, इनको बड़ी बड़े रशियन चाहिए वहाँ पे। अरे तुम्हें पता है ये ऐसे लोग हैं जो लोटा लेके जाते हैं जवार के, माय गॉड। भाई आपने फिर इनको क्यों, आप क्यों इनवाइट करते हो इनको, 5 स्टार में इनवाइट मत किया करो आप, अपना जो गेट टुगेदर है वो असोला फतेहपुर के ढाबे में। इसको एक्चुअली असोला फतेहपुर के लोगों की ना सिंपलिसिटी और सादगी बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, ही लव्स द सादगी एंड द सिंपलिसिटी। यार देखो मुझे वो बहुत पसंद है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा खाना अभी 2,20,000 का करो। चल कोई बात नहीं यार, एवरीथिंग इज लव, फेयर इन लव एंड वॉर, दीपक तुझे पता ही है यार, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। These biscuits I got for them. These biscuits box. Wow. Yes. इसके बाबे ये, उसके बाबे ये सब box. ये किसने दिया sir? उसके बाबे ये. ये क्या? I got it for staff. मैं staff के लिए लेके आया ये. इतना सारा? हाँ. दीपक तूने तो यहाँ पर किराने की दुकान खोल ली है यार. और
तुम्हें पता है अभी यहाँ पे इतना केक पड़ा हुआ है, बट स्टाफ को देख क्या पसंद है, उनको ये बिस्किट्स पसंद है। यहाँ पे डेढ़ हजार का केक पड़ा है लेकिन स्टाफ को बिस्किट्स पसंद है। अरे जो सिगरेट के कार्टन है ना, ऐसे मैंने छह मंगवाए, ऐसे छह कार्टन मंगवाए मैंने सिगरेट। तूने तो यहाँ पर पैसे की नदी बहा दी है यार, इतना पैसा तू क्यों खर्चा कर रहा है यार, क्या हो गया है? तेरी मॉम तुझे डांटे पता नहीं है, वो कितना सुनाने वाली है तुझे। हाँ यार, मेरे मम्मी ने मुझे कहा, मेरे मम्मी ने 16 लाख दिए थे, सब खत्म हो गए। मम्मी ने कहा कि अभी मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूँ। मत कर ऐसे, इतना वेस्ट कर रहे, तूने पेटियों की पेटियां मंगवा ली, बिस्किट वो भी। तो दीपक भाई, आप ये बताओ यार कि आप इतने पॉपुलर क्यों हो? व्हाई पीपल कम एंड वॉच योर लाइफ? आई वांट टू नो, बिकॉज कुछ तो है। ऐसा क्या है कि जब मैं लाइव में आता हूँ तो 1500 से आपके 500 फॉलोअर हो यार, वो लाइव आ जाते हो यार। और जब ऐसी बात, it is one part of the night also. I just want to know the secret. Do you know? मेरे को लगता है आपको भी नहीं पता है क्या secret है। नहीं नहीं, देखो, you are very decent और लोगों को चाहिए बकचोदी, but I tell you one thing, you are a simple person that you appreciate each one, you know. आपने मिंक को कहा कि मैं आपका फैन हूँ, आप न्यूयॉर्क के इतने बड़े बंगलो में रहते हैं, आपका बड़प्पन है, एंड आई रियली लव यू, यू नो, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज यू आर सच अ स्टेबल लवली काइंड हार्टेड पर्सन दैट आई कांट टेल यू। आई मेट योर फैमिली एंड यू कम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मीट मी अप एंड देन यू इंट्रोड्यूस टू माय फैमिली एंड ऑल एंड वी हैड डिनर टुगेदर 3 times एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू व्हेन यू बॉट मोबाइल फॉर मी, यू नो, एप्पल आईफोन। एंड यू यार, आपका ये फ्लैटरी है ना दीपक भाई, योर फ्लैटरी, आई एम अ फैन, आप मेरे को फ्लैटर कर देते हो। एक्चुअली ही वांट्स एप्पल आईफोन बिकॉज़ ही लव एप्पल आईफोन्स। एप्पल आईफोन, नहीं 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 ये वो हर चीज वही करता है जो जनता को एक्चुअल में पसंद है। मूड देख जॉन है, बिल्कुल तलवार मुझे शूट दो यार। ठीक है, बता कब चाहिए, बोल। मुझे इंडियन करा दो, मैं दिल्ली आ रही हूँ ना। हाँ तो ठीक है, ओके डन। कब आ रही है दिल्ली, तो बता। देखो पतली सी भी हूँ, कब आ रही है? हाँ बताओ कब मिलोगे? कभी भी आ जा, कभी भी आ जा। मेरा 30K लगे तो मैं कोलैबोरेशन चालू करूंगी। मुझे बहुत मन मैसेज आते हैं कि उसके कर दो, क्या होते हैं वो जो पैसे लगाते हैं डबल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग, कैसीनो वालों के मेरे को मैसेज आते हैं। ना ट्रेडिंग में मत फंसियो, कोलैबोरेशन ही कर दीपक के साथ, कर यार कोलैबोरेशन, ठीक है। मतलब दे टोल्ड मी कि ये विल गिव यू मनी, बट हमारा पोस्ट डाल दो कि हमारा ट्रेडिंग का काम है, तो बट मैं लोगों को ऐसे पागल बना लूंगी ना। दीपक के साथ काम कर, वी वांट यू एंड दीपक टुगेदर। थैंक यू मो, हम करेंगे। एंड बिंक इज माय फेवरेट एंड आई लाइक हर नेचर, मतलब मैं अगर बिंक को हीरोइन बना, इट्स नॉट दैट शी इज गुड लुकिंग बिकॉज़ शी हैज गॉट अमेजिंग नेचर, और सोनिया मुझे गॉट वेरी गुड नेचर, अप्रिशिएट करती है एंड आई न्यू दैट। हेलो, हां कौन? तेरी बहन तो दो रंगी के पैर कहां कह रहा हूं कि आने वाला खा के बता दे। अरे लेकिन तू कौन बात कर रहे हो? गलत यार, मतलब वो बंदा हंसता है और ये लोग उसको उठ के फतेहपुर, असोला फतेहपुर में इसका एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो उसी के लिए। अरे लेकिन लेबर फोन कर रही है इसको, अरे लेकिन मैंने आपके गांव का नाम नहीं लिया, जिन्होंने लिया उनको बोलो मैंने नहीं लिया। अरे भाई मेरा बिल 2,20,000 रुपए आए, कुछ आए थे बॉडी बिल्डर्स, मैंने नहीं लिया है। अरे भाई बात करो, बात कराओ इससे। मैं फतेहपुर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सॉरी कहता हूँ और मैं फतेहपुर को पप्पी देता हूँ और मैं फतेहपुर में घुसना चाहती हूँ टांग लेके। एक्चुअली फतेहपुर का एयरपोर्ट बन रहा है तो लेबर फोन कर रही है इसको बेसिकली।
अरे नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, अरे मैंने बोला लाइव में सॉरी मैं फतेहपुर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं फतेहपुर की पप्पी लूंगा मौ no! फतेहपुर के सारे भाई सॉरी सॉरी भाई, आपको फतेहपुर के लिए हमने कोई अगर गलत बोल दिया तो सॉरी यार। अरे यार फतेहपुर क्या है, अकेले का थोड़ी ना है हमारा तलवार में लिया क्या उसकी, मनीष तलवार की माँ चो दो उसको बोल भाई फतेहपुर पे के असोले में आ जा। अरे भाई मैं फतेहपुर से बहुत मैं कबड्डी उसे बोल कबड्डी लड़ ले दीपक के लाल से, देखेंगे कौन लंगोट में देखते हैं कौन जीतता। वाह तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही सेक्सी लग रही है। अरे मैंने नहीं बोला ये, अरे ये लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला। उसको बोलो तुम्हारी फैंटेसी है गाली सुनना और तुम फिर अच्छा फील करती हो। और भाई जो है वो दीपक तेरे को एक दिन तमाशे पे कितने फोन आते हैं सच सच बताइए मुझे। अरे बाबा मुझे इतने सारे कॉल्स आते हैं, यू नो अभी भी कॉल आ रहा है, देखो मुझे इतने कॉल्स आते हैं मतलब देखो मैं इतने कॉल्स मतलब मैं अटेंड ही नहीं करता हूँ दिन में, मतलब हो सकता है 1200 अभी देखो ये 1200 कॉल्स। हेलो हेलो हाँ बोलो हाँ बोलो तेरी बीवी या चौधरी तेरी की आदमी है, कितना बदमाश लुच्चा लफंगा आदमी है ये, यू नो बहुत बदमाश है दीपक सच में यार। दीपक की वजह से हमें दाद देनी पड़ेगी सीरियसली। मैं अभी दिल्ली में दोबारा आ रहा हूँ, मैंने 15 दिन के लिए ताज पैलेस बुक किया है। बताओ अरे डेट्स नहीं अभी नहीं बताऊंगा मैं जब मैं एंट्री कर। चलो हाँ लेकिन मैंने दीपक भाई आई एम गोइंग टू क्विट, आई लव यू टेक केयर मैं एंड मैनेजर भाई टेक केयर बाय। चलो दीपू विल सी यू टुमारो बिकॉज़ दी दाली में जल्दी ठीक है। चलो दुकान का लाइव लाइव में लाइव वाइंड अप कर रहा हूं। चलो भाई तो आज दबास भाई का बर्थडे था एंड वी से बर्थडे दबास हैप्पी बर्थडे दीपू। हां यू डू वेल इन लाइफ। अब कोई केक वगैरह उन्होंने बहाना बनाया और यहां पे केक छोड़ के चले गए, दे डोंट ईट केक, तो देखता हूं फिर मैं किसी गरीबों में बांट दूंगा। ठीक है ओके चलो बाय टाटा लव यू बाय।